इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2023। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक कराऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो वायुसेना की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि भारतीय वायुसेना की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपकी एज लिमिट 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट के लिए एज लिमिट कुछ कम होगा। कौन कौन से कैंडिडेट होंगे उनकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा दो वैकेंसी के लिए, और कौन कौन सी वैकेंसी होगी उसकी जानकारी मैं इसी वीडियो में आगे दे दूंगा। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इन जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपका यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर के लिए 4 मिनट का समय अभी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास जो फोटो है जिसका बैकग्राउंड भी लाइट कलर का होना अनिवार्य है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो भारतीय वायुसेना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको आने तभी लाइक करना नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, टोटल आपको यहाँ पर 8 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। MTC यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ, स्टोर कीपर, स्टेनो, LDC प्लस ड्राइवर, कुक प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। जो यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल होगी मैं आपको नोटिफिकेशन में विस्तार में बता दूंगा। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा 18,000 रुपये से लेकर 2900 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर वेतन भी मिल जाएगा। आपको जहाँ पर एप्लीकेशन फीस होगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि UR जनरल, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपकी 18 ईयर से लेकर 28 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। OBC वालों के 18 से 31, SST कैंडिडेट के लिए 18 से 33, जज काउंट की जाएगी 28 जनवरी तक की जाएगी, यानी कि 28 जनवरी को आपकी जनरल 18 से कम हो न 28 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, SST वालों 5 रेट दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 रेट छूट भी आपको दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल को पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर से भी जानकारी ले पाएंगे। अगर हम इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। LDC वैकेंसी के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा, उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, कुछ वैकेंसी के लिए सबसे लास्ट में फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं ITI डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे अगर आपने सिंपल 10वीं पास भी किया हुआ, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन
कर पाएंगे। इस भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती और नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन हो आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है आपको फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर किस प्रकार से करना है, सबसे पहले फोटो लगाना है, फोटो को आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड करना होगा। कौन सी वैकेंसी के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद से कैंडिडेट का नेम, अपने पापा का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मेंशन करना होगा। और अब उसके बाद से आपको यहाँ पर 1 जनवरी को आप कितने वर्ष के हो जाते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर एड्रेस फिल कर देने हैं। अगर आपके दोनों का ही दोनों एड्रेस सेम है तो आपको दोनों एड्रेस यहाँ पर सेम फिल करने होंगे। और आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो मेंशन कर देनी है। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट की जीरोक्स भी देना अनिवार्य है, रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ फिल करनी है, ये वाला पोर्शन आपको फिल नहीं करना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे। इस भर्ती कंप्लीट जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। इस भर्ती का जो एड्रेस है जहाँ पर आपको फॉर्म सेंड करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट नहीं हुए, जिसकी इंपॉर्टेंट डेट की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।